नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सोनभद्र के घोरावल कोतावली क्षेत्र के उंभा गांव के बाद अब मरसड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हड़कंप मच गया। मरसड़ा गांव में 74 बीघा जमीन पर अचानक ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया। उंभा गांव से महज कुछ किलोमीटर दूरी पर इस तरह की सूचना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि जमीनी विवाद में 10 लोगों की जान चली गई थी। वहीं इस तरह की घटना रातों रात 74 बीघा जमीन पर ग्रामीणों द्वारा झोपड़ी लगाने के बाद जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। प्रशासन ने तत्काल ग्राम प्रधान अजय कुमार को घोरावल कस्बा पुलिस चौकी उठा लाई, जिससे तिलमिलाए ग्रामीणों ने चौकी को घेर लिया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर जिलाधिकारी और SP भी पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर वापस भेजा और ग्राम प्रधान को छोड़कर लगभग 40 लोगों पर 107-16 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग इस जमीन पर मुकदमा दायर किए हैं और केस लड़ रहे हैं। लगभग 10 सालों से जमीन पड़ी है, पर देवानंद पाठक अचानक सीलिंग की जमीन पर अपना कब्जा बता रहे हैं, जबकि ये जमीन सीलिंग में है। उमा गांव की घटना से बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ने के मद्देनजर जिला प्रशासन भी सचेत है। जैसे ही इस घटना की सूचना जिला प्रशासन को लगी, तत्काल भारी फोर्स के साथ मौके पर आला अधिकारियों के पहुंचने के बाद ग्रामीणों मढ़ारा वापस हटाने की राजी हुए और संघर्ष की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर जबरदस्ती घोरावल पुलिस हमें उठा ले आई, मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि ग्रामीण अपनी स्वेच्छा से जाकर वहां पर झोपड़ी लगाए थे। 74 बीघा जमीन पर मुकदमा चल रहा है और हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर इस पर दे रखा है। यह जमीन सीलिंग की है, पर पाठक जी इस जमीन को अपनी बता रहे हैं, जबकि 10 वर्षों से इस जमीन पर कोई खेती नहीं हो रही थी। मेरे पास इस जमीन के कागजात हैं, यह जमीन राज्य सरकार की है। वहीं सोनभद्र के SP सलमान ताज पाटिल ने बताया कि मरसड़ा गांव में अचानक कुछ लोगों द्वारा 74 बीघा जमीन पर रातों रात झोपड़ी लगा ली गई। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे। लगभग झोपड़ियां हटा दी गई हैं और किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था खराब होने की संभावना नहीं है। क्या जमीन का मजाक मामला है? ग्रामीण कह रहे हैं गांव वाले कि उनकी जमीन है, ये सरकारी जमीन है। आपका कहना है कि नहीं, बात की नहीं। मामला क्या है, न्यायालय में क्या जारी हुई है? ऐसा है कि जिस जमीन पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं, वो हमारी माता के नाम से वो जमीन थी, और उस संदर्भ में हाई कोर्ट का स्टे गया और जोध कोर्ट कंटिन्यूस वो चल रहा है। वो पैतृक जमीन है और माता जी 1.5 साल पहले मर चुकी हैं और उसके हम वारिस दो भाई हैं, देवानंद विवेकानंद। जोध कोर्ट पर कभी भी इस तरीके से अन्य का कभी नहीं रहा। और अचानक ये लोग ये रविवार को 21 तारीख को 9-10 बजे वहाँ मड़ई लगाना एक बैग शुरू की। जब हमें पता लगा कि अचानक 25-50 सब लोग पूरा कौन कौन है, तो अब उस मतलब स्थिति को देखते हुए हम फिर सूचना दिए 100 नंबर को। इसके बाद जाए लोग मना किए, लेकिन लोग नहीं माने, यही है सच्चाई। और उस जमीन के कोई और न तो वारिस है न तो उसका मालिक। और उस संदर्भ में चूंकि ये पारिवारिक मैटर था, चकबंदी हुई तो चकबंदी के दौरान ये लोग 2-4 लोग विपक्षी हुए, जिसमें एक आदमी ये CO स्तर पर विपक्षी बना एक साधारण दरखास्त देके के 5 बीघे हम होते हैं इस तरीके से, तो CO का भी आदेश हमारे पक्ष में है। इसके बाद SOC के यहाँ 32 लोग हो गए, तो फिर 32 के बाद वो भी हमारे पक्ष में हुआ। बाद में 9 आदमी उसी में से DDC के यहाँ अपना मुकदमा दाखिल किए कि ये जो है गलत है, तो DDC ने राज्य सरकार को दिया। अब राज्य सरकार होने के बाद क्योंकि अब हम प्रभावित थे तो हाईकोर्ट गए इस पर, तो हाईकोर्ट ने यथास्थिति के लिए आदेश दिया। यही है इसका यथास्थिति में क्या लिखा है उसको, माने कब्जा परिवर्तन न किया जाए। जिसका कब्जा रहा है उसी उसका रहेगा उसी स्थिति में। और हम जोत बोल रहे हैं खसरा खतौनी सब कुछ है। ठीक मामला सर और भी है सर। अभी सर घोरावल में भी एक जमीन कब्जे को लेकर के वहाँ संघर्ष की स्थिति बन गई थी सर, उसमें सर क्या कहेंगे? ये एक मामला
आज ही हम लोगों के संज्ञान में आया कि एक सीलिंग एक्ट के तहत एक प्रकरण में अभी कोर्ट में न्यायालय में हाईकोर्ट के द्वारा स्टे प्रदान किया गया है दो पक्षों का विवाद। तो उसमें एडीएम साहब ने जाकर पूरी विस्तृत जांच की है और उन्होंने ये पाया है कि इस जमीन पर दोनों पक्ष भी अपना कब्जा या उसका दावा नहीं कर सकते। कल दोपहर के बाद से कुछ लोगों ने अपने उस जगह में जाकर के कुछ बम्बू गाड़कर कुछ कपड़े लटकाकर ये कहने का प्रयास किया कि यहाँ पर हमारा कब्जा है। एडीएम साहब का ये कहना है जांच के बाद कि ये पूर्णतः अवैध है, ये नहीं होना चाहिए। उन दोनों पक्षों को थाने पर बुला के समझाया गया है, उन्होंने लिखित में ये दिया है कि हम लोगों का कब्जा नियम का नहीं होना चाहिए। कोर्ट के आदेश के तहत हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और उन्होंने कहा है कि हम स्वेच्छा से ये जल्द से जल्द उसको खाली करें। सर सर जो देवानंद पाठक है जिनकी जमीन है उनका कहना है कि प्रधान ये कह रहे हैं कि हम जो है तभी जमीन पर से कब्जा हटाएंगे जब वो जोत फोड़ नहीं करेंगे, अगर जोत फोड़ करेंगे तो कब्जा नहीं हटाएंगे। देखिए पूरा मामला राजस्व विभाग के संज्ञान में आ गया है, अब उसका निर्णय वही लेंगे और पुलिस वहां पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए अलर्ट कर दी गई है, वहां बता दिया गया है और एडीएम और डीएम साहब को पूरी मामले की जानकारी दी गई है। वो जहां मौके पर जाके जांच भी जब कर रहे हैं उसके उनके द्वारा जैसी आगे की स्थिति होगी पुलिस सहयोग करेगी। गुरावल थाना क्षेत्र से मनसड़ा गांव में एक जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे है जिसके यथास्थिति बनाई रखी जा रही है, लगातार वो कब्जा बढ़ता जा रहा है। इस मामले का संज्ञान लिया गया है, अपर जिला अधिकारी को इसकी जांच दी गई है, वो एक बार मौके पे भी गए थे, उनके द्वारा आख्या तैयार की जा रही है और एक दो दिन में इस पे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।